आईआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। आई थिंक कई बार रिपीट कर चुका था तो याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है, बताइए। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है, विंडोज 7, विंडोज एंड्रॉइड 8, विंडोज 10 या लिनक्स। राइट आंसर होगा लिनक्स। और लिनक्स क्या है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिख लीजिएगा, पोर्टेबल कहलाता है, सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है। हब, स्विच, गेटवे, राउटर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, गेटवे, लिख लीजिएगा, अलग अलग प्रोटोकॉल देते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन, नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है, नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए। बी द राइट आंसर, नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विसेज प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस कितने भाग होते हैं, ये तो आया, दो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेष टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ इसी तरह जुड़ जाना, एक दूसरे से भी जुड़ जाए इस तरह। कितने 10 हो कितने आसान तो ये 10 की जरूरत। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न से तेज गति डेटा लेने वाला केवल कौन सा है, सर्वर और
ऑप्टिकल फाइबर ही लग रहा है या ट्विस्टेड पेयर? ट्विस्टेड या ऑप्टिकल में लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? ऑप्टिकल फाइबर ही लिख लीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में तेज भेजा जाता है। ये ये ऐसे ही ब्रॉडबैंड अलग होता है, ब्रॉडबैंड अलग है, दो नेट डेटा लेने ब्रॉडबैंड यूज करते हैं। पॉकेट 6 के बारे में आईडिया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्राम में कोड है, क्या है? लैंग्वेज क्या है? नहीं प्रोग्राम नहीं, लैंग्वेज है भाई। स्वयं क्या है कहा है? लैंग्वेज प्रोसेसर है, इतना पता है। लैंग्वेज प्रोसेसर है लेकिन स्वयं ऐसे प्रोग्राम है। सही कह रहा है, प्रोग्राम है जो लैंग्वेज को बदलते हैं, प्रोग्राम में बोले कि कंपाइलर, लेकिन लैंग्वेज प्रोसेसर भी है, लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? एक प्रोग्राम है, लैंग्वेज नहीं है। सफाई हो रही होगी कार्य सब मोह किसको पता है? कौन सा क्या करता है क्या नहीं? हो गया। नेक्स्ट, पैकेट स्विचिंग किस विधि में प्रत्येक पैकेट सूचना के संप्रेषण के नेटवर्क माध्यम से विभिन्न संचार पत्र ले सकता है? टीसीपी, वर्चुअल सर्किट, यूडीपी, इनमें से कोई नहीं। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी वाला भी देख लिया जाएगा, यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डाटा प्रोटोकॉल, और राइट आंसर भी वही होगा। पैकेट स्विचिंग के किस विधि के सूचनाओं का क्या किया जाता है? संप्रेषण किया जाता है, तो लिख लीजिएगा यूडीपी। यूडीपी का राइट फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यूजर यूजर डाटा प्रोटोकॉल, डाटाग्राम, डाटाग्राम, यूजर डाटाग्राम, डेटाग्राम बोले, डाटाग्राम। या फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन, पब्लिक या प्राइवेट, क्या लग रहा है? पब्लिक स्विच टेलीफोन। आ जाइए, इतना लेट आएंगे आप लोग, क्लास को लेट से स्टार्ट किए इसीलिए वेट करते हैं। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क कैसे पता चला है? कौन सा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क लिख लीजिए, पीएसटीएन का पूरा नाम। आप तो यूडीपी का भी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यूजर डेटाग्राम। और पहले से कितने दिन इधर आ जाओ, मेरे पास
ठीक चलो ठीक है, कल से हो जाएगी पढ़ाई। हो गया। पीएसटीएन का पूरा नाम क्या होता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता ये कौन बताएगा? लड़कियां बताए। हाँ नहीं पता। सत्या 25 25 आप लोग कहिए 15। हाँ तुम अलीराज, तुम 18 है, तुम हाँ तुम जी हाँ फर्स्ट दिसंबर को पड़ता है एड्स दिवस। एक्वायर्ड इम्यूनो क्या है? डेफिनेशन सेंड्रो। और 2 दिसंबर को पड़ता है कंप्यूटर डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। पर हेल्थ क्या है? अच्छा एड्स मतलब कि सेक्सुअल कंटेक्ट वाली बीमारियां हैं। सेक्सुअल ही जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके रीजन हो सकते हैं। लगता खतरनाक बीमारी एड्स, ऐसी बीमारी जो खत्म ही नहीं होती है, शरीर गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लकड़ी जैसे हो जाओगे, फिर डेथ हो जाएगा। बीमारी बीमारी कुछ नहीं, कुछ ट्रीटमेंट मिला होगा या रीजन रहा होगा कुछ भी। जैसे कैंसर दिवस भी तो मनाया जाता है, उसी में थोड़ी मनाया जा रहा है, मतलब एक डे माना गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर होगा, लिख लीजिएगा। कंप्यूटर डे मनाया जाता है, बताओ पढ़ रहे हो तुम लोग को पता ही नहीं है कंप्यूटर डे को मनाया जाता है, कंप्यूटर ही पढ़ रहे हो तुम। कोई सही नहीं बताया, बाप रे, मुझे लगा पूछी को तो पता होगा। सोचा सब बीत गया है, क्या आगे का बोला जाए, यही लॉजिक लगाया है तो 25 वाला लॉजिक लगाया है तो यदि 25 दिसंबर से हाँ बाद क्रिसमस कहाँ तक पहुंचा दिया है ये क्वेश्चन, कहाँ था कहाँ पहुंचा दिया। चलो कंप्यूटर में क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा तुम एक बात ध्यान लो, तो पूछेगा इंटरप्रीटर और असेंबलर क्या है? तो एक लैंग्वेज प्रोसेसर तो है, लेकिन वह एक प्रोग्राम है, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, इसलिए इसको प्रोग्राम कहा गया। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होती है किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, क्रोनियम है, क्रोनियम से, सिल्वर से, आयरन ऑक्साइड से। तो आयरन ऑक्साइड भी नहीं होगा, सिल्वर भी कमी चांस लग रहा है, ए भी सिल्वर क्या होगा? ए होगा, सिलिकॉन सब लिख लीजिएगा, सिलिकॉन सब चिप होती है। सिल्वर दिया जाता है ना आईसी चिप। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। सर कह रहे हैं हो सकता है, क्योंकि मैं दो दो तीन लोगों को भेजा हूँ, पूछो कि जाओ देखो आए होंगे सब आए होंगे। चलो चलता है, अच्छे के लिए अभी जस्ट भेजे थे इन लोग, इसीलिए देख रहा हूँ क्या पता कहीं आ गया हो तो तुम आए ही नहीं। मैं क्या हाँ क्या
चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। मेंशन नोट अगला है, नई वर्कशीट बनाने की स्टार्टअप के लिए क्या होती है? सही भाई, हाँ ए नहीं है क्या है? शील्ड अल्ट एफ4। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। तो मतलब पहले गेस करना कि आगे भविष्य में क्या होगा। सी हुआ गोल, सी वाला गोल, सी की मदद से हम ईएमआई वाला काम भी कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा? सी। एमएस एक्सेल में हैश नेम एरर का क्या मतलब होता है? तो क्या होगा? फॉर्मूला है ना, वैल्यू है ना, डिफरेंट सबके लिए वही होगा, है। यस सिर्फ फार्मूला है। हैज हमारा नेम सभी लिख के आता है जब फार्मूला गलत होगा, हैज वैल्यू लिख के आता है, और जब स्पेस आता है केवल हैज आ जाता है, जब स्पेस की दिक्कत होती है तब तो नेम कहाँ लिखता हुआ? हर चीज के लिए अलग अलग हैज वैल्यू, हैज नेम, और केवल स्पेस की कमी होगी तो हैज केवल। तो कटे काम पर दे दे, तो नहीं कटे काम पर दे दे, पचास पर हाँ 50 पचास पचास बहुत बहुत कम है। वर्तमान में आईपी एड्रेस का आकार क्या होता है? 2 बाइट, 4 बाइट, 6 बाइट, क्या होता बोल भाई है? 4 बाइट। ठीक, इतना ही तो हम देश बाहर में बोल भाई किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या उससे अधिक टर्मिनल का प्रयोग करते हैं? मल्टी यूजर की, मल्टी टास्किंग की, रियल टाइम की, टाइम सेविंग? मल्टी मल्टी यूजर, फुल यूजर फॉर्म ऑफ AMAPI, मैसेजिंग एप्लीकेशन। देखो जबकि पहली बार सुने हैं कि पहले पता है, पहली बार सुने, लेकिन गेस मतलब तरीका से पता चल जाना पड़े, हाँ ये हो सकता है, इसी तरह आंसर तक पहुंचा जाता है। कभी हम ही नहीं कह रहे यही क्वेश्चन आएगा, यही आंसर आएगा, लेकिन बस एक वे दे रहा हूं मैं। इसलिए हाँ इसलिए
अस्थमा कांड भी आता है, एक अस्थमा कांड भी आता है। क्या करना हो गया, पुलिस मिलता है बंद हो गया, उसका यूज नशा के तौर पे लोग लगे करने का ना। बात मत करिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अकाउंट पे चेक से कैसे पैसे ले सकते हैं? तीनों हो जाएगा, केवल खाते में ले सकते हैं। गलत दिया आपसे। व्हाट आई एम सेइंग, मुझे भी मिल व्हाट दिस इज, मैं कहा कुछ है इसको बोलो ना। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दिया था, किस सिंबल का प्रयोग फाइट के नेम में? हाँ ये बताइए, आप आंसर आ गया क्या, देख लीजिए क्या आंसर, इसमें से किस नाम से आप फाइल नहीं बना सकते? अभी बनाया फाइल इस नाम से, अभी डी स्टार से, एट द रेट से आप कूलर बना सकते हो, हैश से बना सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क से बना सकते हो, लेकिन स्टार के नाम से फोल्डर नहीं बन सकते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी है। हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस तरह का प्रयोग होता है? एमएस एक्सेल में फार्मूला से पहले बराबर का चिन्ह न लगाने पे क्या होता है? बी और सी, सी दोनों होगा, लग रहा है दोनों होगा, कोई प्रभाव ही नहीं होता है। क्या एमएस एक्सेल में पहले बराबर का चिन्ह लगाने पे क्या होता है? फार्मूला काम नहीं करता, सही बात है, कोई प्रभाव भी तो नहीं होता है। मान लो हम लेकर लगा दे कुछ भी, तो वो सी और दोनों होगा, दोनों होगा, ठीक है, कोई प्रभाव ही नहीं होता है। इक्वल टू ना लगाए तो कोई प्रभाव ही नहीं होगा। फुल फॉर्म ऑफ IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस।
कह रहा हूँ, हो गया क्या बोले? अच्छा जो पिक्चरों वाला कह रहा हो क्या? ISI एजेंट वाले जो होते हैं, ISI वही ना होते हैं, ISI एजेंट, अच्छा ISI, हाँ ISI, इंटर इंटेलिजेंस कुछ करके होता है। हाँ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, अच्छा इंटेलिजेंस, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। यूसी का पूरा नाम, सही अच्छा क्या होंगे? BAC, यूसी का कौन सा रिजल्ट? हमको लग रहा है यही होगा, ये सी वाला, क्योंकि अनसॉलिडिकेटेड का मतलब क्या होता है, वही अनचाहा। देख लीजिएगा, अगला है टेस्ट, आज देंगे ना आप लोग? आज भी जाना है? मेरे सस्पेंस में लग रही है, कल फाइल बनाना है। अटल पेंशन योजना के माध्यम न्यूनतम राशि कितनी है? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आता है। क्या होगा? 1,000। वो ऐसा ही मॉडल कितनी क्लियर होती है? पढ़ाए हैं 7। वेरी गुड, याद करिए 7 होते। अगला क्वेश्चन है, अधिक ब्याज किस पे मिलता है? अधिक ब्याज चले आगे चले, तुम डिपॉजिट निगाह बताओ तुम लोग, हम तो बता ही देंगे। फिक्स डिपॉजिट, लेकिन यहाँ पे डी होगा क्योंकि दोनों है ना, क्या है सब? सर अधिक ब्याज क्यों मिला? गलत है। ठीक, क्यों? ए और बी दोनों होगा, इसीलिए लिखा है। करंट पे तो मिलता ही नहीं, मैं बताया था आपको, करंट पे, लोन पे, इस पे ब्याज ही नहीं मिलता है, सैलरी पे।
ब्याज मिलता है इंटरेस्ट रेट, रिक्यूरिंग उसी को बोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट को ही। ठीक है, अगला है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, एनआईक, एडवेक। एनआईक या एनालिटिकल इंजन में से कोई हो सकता है, आई थिंक एनालिटिकल इंजन होगा क्या? नहीं, एनआईक होगा, सही है, एनआईक होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला बनाया गया पहला कंप्यूटर। हो गया, इन दो क्वेश्चनों देख लीजिए। फुल फॉर्म आप MBCS, बीसीएस BCS मल्टी बाइट करेक्टर सर्टिफिकेशन, ये होने जा रहे थे। ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन आज का। बाइनरी संख्या का समूह कहलाता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब इसलिए पहला आंसर क्यों हेक्सा कहेगा, क्योंकि वेरी गुड, यहाँ क्वेश्चन में चार भी तो दिया है ना। हाँ, बस यही, इसीलिए इसीलिए चार है। और बाइनरी नंबर में कितने होते हैं? दो होते हैं, 0 और 1, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। अच्छा, क्या बताएं, हेक्साडेसिमल बोल। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, 4 कोई नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं बोला क्वेश्चन भी पढ़िए। मैं बार